नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आपको याद होगा कि 28 फरवरी 2016 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि आने वाले 2022 में जब देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब तक किसानों की आय दोगुनी हो चुकी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई बल्कि खेती की लागत ही बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जनपद के मोरब के अंतर्गत आने वाले राम वन गमन मार्ग पर स्थित बायोवेद कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान शोध संस्थान के निदेशक बीके द्विवेदी ने किसानों की आय बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है और इसके लिए वह कई वर्षों से लाख उद्योग का संचालन कर रहे हैं। वह इस संस्थान में छात्रों को कुशल बनाने के साथ ही किसानों को लाख लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे किसान पारंपरिक खेती धान गेहूं के स्थान पर लाख का उत्पादन करके लाखों रुपए कमा सकें। अब चलिए हम आपको मिलवाते हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर बीके द्विवेदी से। हमारे साथ हैं यहाँ के डायरेक्टर बीके द्विवेदी, उनसे जानेंगे कि इस संस्थान के बारे में और इस संस्थान के जरिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ किस तरीके की पढ़ाई हो रही है, किस तरीके का कोर्स चलाया जा रहा है, इसके अलावा कृषि और पर्यावरण से संबंधित किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं बीके द्विवेदी से। अच्छी ये बताइए कि ये जो आपका संस्थान है यहाँ क्या कार्य हो रहा है? ये सर बायोवेद कृषि एवं प्रौद्योगिकी शोध संस्थान है जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कृषि मंत्रालय और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और पंजीकृत है। आपके यहाँ जो बीएससी का कोर्स होता है तो स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप क्या शिक्षा देते हैं उसकी? इनको सर ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 अभी आई है, ये तो अभी आई है, लेकिन मैं पिछले 30 सालों से लोगों को ये कह रहा था कि लर्न एंड अर्न, वो जो है सीखो और कमाओ। कि लाख की खेती अगर वो करता है तो एक पेड़ से उसको 10,000 की लाख मिलती है, तो वो जो खेती गांव में उसके घर है परिवार है अगर वहां वो एक पेड़ लगवा देता है और एक पेड़ पर 4 महीने में 10,000 की लाख होती है तो आप बता दीजिए 10 पेड़ लगा दिए लखपति बन गया, तो उसमें पढ़ाई के दौरान वो अपने घर को लखपति बना रहा है। तो अच्छा एक चीज और है कि आपने शोध की बात की, तो ये जो आपके यहाँ छात्र हैं इनको शोध की क्या है सुविधा है? इनको मैंने ये किया है कि जितनी हाईटेक फार्मिंग है और जो R&D प्रोग्राम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन ही मेरा है, मेरे पास 25 लैब है और माइनर सॉइल टेस्टिंग की पूरी लैब है और जो मिट्टी में खेत में और किसान के पौधे में जो रोग लगते हैं उस रोग को भी किस क्रोमोजोम से रोग आता है वो हमारे पास सारी लेबोरेटरीज है और हाईटेक लेबोरेटरीज है और एयर कंडीशन लेबोरेटरीज है। जो 4 लाख जो लोग PhD में करते हैं वो हमारे BSc के बच्चे करते हैं। तो ये जितनी सुविधाएं भी आपने बताई क्या है उपलब्ध है? ये सारी सुविधाएं सर यहाँ उपलब्ध हैं और हमारी 25 लैब है और आज हम पिछले 30 सालों से इसी पर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ही मेरा है और इसीलिए भारत सरकार से मान्यता भी है। ये तो मैंने BSc एग्रीकल्चर का कोर्स पिछले 4 सालों से शुरू किया मात्र इसलिए कि किसानों के लिए हमने OPD एक बनाई है आगे अपने ही संस्थान में, कि जो किसानों की समस्या है तो जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं वो वहाँ जो है किसानों की समस्या को हल करें, निःशुल्क करें। अगर कोई किसान आता है और उसके खेत में रोग लगा है, मिट्टी टेस्ट करवाना है या और कोई परेशानी है तो उसको किस तरीके से खेती में ज्यादा लाभ हो इसका गुरुमंत्र उसको बताएं। दरअसल मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल आपने खुद ही कहा कि इतना समय नहीं है किसी के पास, कितना इंतजार करे अमरूद के फल के लिए, तो क्या आप लोग उन्नत पौधों पर भी शोध करते हैं? हमने इनको शोध करने के बाद अपने इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर की रेंज में
जो जो है गांव हैं, जो लोग रह रहे हैं उनमें हमारा ये है कि ये हमारे स्कूल के बच्चे जो है शनिवार और इतवार को गांव की विजिट करते हैं और 5 किलोमीटर की रेंज के सारे गांव हमने अडॉप्ट किया है। तो उसमें क्या खेती हो रही है, क्या परेशानी है, ये बच्चे जाते हैं और वहाँ से असेसमेंट करके आते हैं और अगले सप्ताह पर हमारे फैकल्टी मेंबर्स और मैं स्वयं जा करके ये देखता हूँ कि मेरे ये किसानों को क्या परेशानी है और कौन सी फसल लगाएं, कितनी तरह की लगाएं और उनमें क्या जो है परेशानी है उनके खेत में। ये सर जैसे ये देखिए लाग की खेती है और ये लाग जो है कैरियल का इंसेक्ट है, ये पेड़ की पतली टहनी पर पड़ता है। 4 महीने की इसकी लाइफ हिस्ट्री है, जुलाई में बांधेंगे, अक्टूबर में फसल तैयार, अक्टूबर में बांधेंगे, फरवरी में तैयार। और आज लाख का दाम 500 रुपए किलो है, एग्रीकल्चर में किसी का दाम 500 रुपए किलो नहीं है। तो अगर एक पेड़ से 4 महीने में 10,000 की लाख आपको मिलती है, अगर आप 10 पेड़ लगा देते हैं तो लखपति बन जाते हैं। ये लाख का सारे सामान है, ये 450 आइटम बना रहे हैं। तो ये जैसे मिट्टी में लाख डाल दिया तो ये 200 ग्राम मिट्टी है, 60 रुपए की बिक रही है। ये जो है गन्ने की खुइया है और गन्ने की खुइया पर ये जो है लाख चढ़ी हुई है। तो जो बैगेसी आप शुगर केन है वो लोग फेंक देते हैं और उसमें ये उसी का ये सिगरेट स्टे बना है, उसी का ये जो है ज्वेलरी बॉक्स बना है, ये सारे आइटम जो है, ये देखिए तोप है उसी की जो है बनी हुई है और ये जितने भी पेपर वेट हैं वो हैं। ये रद्दी कागज जो लोग फेंक देते हैं उस रद्दी कागज को रोल करके लाख चढ़ा करके और ये सारे गहने बने हैं। तो आप देखिए इतने प्यारे प्यारे गहने और इसमें लाख का 4 कलर होता है, नेचुरल कलर होता है और ये देखिए सोने का जो है लगता है कि ये सोने का है, जबकि ये लाख की सोने के कलर में लाख चढ़ी हुई है, चांदी के कलर में लाख चढ़ी हुई है। तो मेरा ये है कि ये लालटेन है, यूकलिप्टस की लालटेन है, जो जो है इस पर जो है लैकरिंग की हुई है। ये फूलदान है, इस पर जो है लाख की हुई है। ये गोबर का जो है मेमेंटो है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये गोबर है, गोबर पर मेमेंटो है। तो अगर गोबर का मेमेंटो अगर आप जो है किसी सम्मान के लिए देते हैं तो ये जहाँ भी रहेगा ये इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है। अगर ये 2 साल 3 साल चाहे आप सोने का दें चाहे चांदी का दें, लेकिन 2 साल बाद डैमेज होगा। तो जब डैमेज होगा तो जहाँ आप फेंकेंगे, प्लास्टिक का अगर आप मेमेंटो दे रहे हैं फेंकेंगे वो न्यूसेंस क्रिएट करेगा, लेकिन जब गोबर का मेमेंटो जो है होगा, लाख चढ़ी हुई है, तो ये गोबर बायो फर्टिलाइजर है और लाख भी बायो फर्टिलाइजर है। तो इस तरह से आम की आम गुठलियों के दाम मिलेंगे। इस पर देखिए कि ये कभी मोटी टहनी पर लाख नहीं पलती है, हमेशा पतली टहनी पर पलती है। अभी आपको लकड़ी पर दिखाया मोटी थिकनेस जो है, ये फरवरी में जो है काफ़ी मोटी हो जाएगी। तो ये जो इसकी जो है पतली ब्रांच है उसी पर लाख चलेगी। अब इसमें प्रूनिंग हुई है तो इसमें देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेज निकली हैं और इस पर एक पेड़ पर लगभग जो है आधा किलो लाख हो जाएगी। तो लोग ये कहते हैं कि पेड़ पर पैसा फलता है क्या, यहाँ फल तो रहा और आज 1 ग्राम जो है 60 पैसे 70 पैसे की है। तो अगर 10 ग्राम हो गए तो उसको 60 रुपये, 100 ग्राम हो गए 60 रुपये की हो गई। तो मेरा ये कहना है कि अगर आधा किलो हो गई और 600 रुपये किलो है तो 300 रुपये हो गए, अगर 100 पेड़ है तो 3 लाख रुपये हो गए। तो इस तरीके से उसको कितने टाइम लगता है, ये से 4 महीने, 4 महीने मात्र जुलाई में लगाएंगे, तो वो इसकी लाइफ हिस्ट्री ही 4 महीने। तो मान लीजिए कि किसी ने इसका उत्पादन किया तो कहाँ ले जाएगा ये सर, हमारे यहाँ ही बेचेगा। आज स्थिति यह है कि पूरे वर्ल्ड में लाख केवल भारत से जा रही है, 80% हम निर्यात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जो डिमांड है लाख की आज की डेट में वो 30,000 टन है, हम केवल 11,000 टन पूरे भारत में पैदा कर रहे हैं। तो अभी 22,000 टन का डिफिसिट है और मैंने एक कई निर्यातक कंपनियों से एग्रीमेंट किया है जिन्होंने LC खोल करके बैंक में पैसा रख दिया है कि आप किसान से लाख लीजिए, उसको चेक दीजिए, वो जाए और सब इकट्ठा करके मुझे भेज दीजिए। तो उसकी बिकने की तो कहीं दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कितना टाइम लगेगा इसको, 4 महीने और इसको पेड़ को लगाने, मान लीजिए ये पेड़ अभी बड़ा नहीं होता है, 6 महीने का पेड़ है, तो अगर 6 महीने में ये हमको 1 किलो दे रहा है तो 500 रुपये दे रहा है ना। अगर दूसरा साल होगा तो ये हमको 2 किलो देगा, 1,000 देगा। अगर तीसरा साल होगा तो मतलब कम से कम समय में 6 महीने, 6 महीने में साल भर के अंदर जो है ये आपको पेड़ जो है देने लगता है, पैसा देने लगता है। ये जरूर है कि शुरू में आपको 10,000 नहीं देगा, लेकिन 2,000 तो देगा, 1,000 तो देगा, 500 तो देगा, जो मतलब इसकी जो नंबर आप ब्रांचेज
पेड़ को बड़ा नहीं करना है, पेड़ में नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है पैदा करनी है, उसमें लाख, हाँ उसमें पतली ब्रांच में जो है लाख पलती है, कभी मोटी ब्रांच में लाख नहीं पलती है। अच्छा, अच्छा हाँ, तो पेड़ तो बड़ा हो जाएगा लेकिन ब्रांच अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं हुआ उसको। अच्छा, इस तरह के और कौन से पौधे हैं जिनसे? इसमें सर जो है पाकड़ है, पीपल है, जंगल जलेबी है, आपका जो है बैर है, एप्पल बेर आया है जो छोटा पेड़ होता है जिसे लोग बड़ा पेड़ नहीं करते हैं, तो उसको जो सेबी नुमा बेर कहते हैं, बड़ी बड़ी बेर आपने देखा होगा, हरी होती है, लाल होती है, तो उस पर भी लाख बहुत अच्छी होती है। जो अरहर का पेड़ है उस पर भी लाख बहुत अच्छी होती है। अच्छा। और अरहर के पेड़ पर अगर लगा लाख लगा दें और मई जून में आप उसकी फली तोड़ लें और पेड़ को खड़ा रहने दें तो उसकी जो नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगी उसमें होगी। दूसरे अरहर में सबसे बड़ी समस्या उपठा होती है, जो उसमें सॉइल बॉर्न फंगस है और कहते हैं उजड़ जाती है, खड़ी खड़ी पेड़ सूख जाता है, तो अगर लाख लगेगी तो कभी पेड़ सूखेगा नहीं। अगल बगल के भी जो क्रॉप रहेगी उसमें कोई रोग टोक नहीं आएगा। तो ये इसकी जो है पूरे वर्ल्ड में यही एक बायोफंजीसाइड है जो पूरा जो है सेब और संतरे और कीनो सब्जी और फल पर लगा करके पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। जैसे अगर आप केमिकल लगा के ले जाएंगे या वो ले जाएंगे तो एक बार आपकी चेकिंग होगी क्वारंटाइन सेंटर पर, लेकिन लाख लगा है तो चाहे सुपर कंप्यूटर हो उस पर भी बताएगा कि ये लाख की लेपिंग है, ले जाने दीजिए। तो इसलिए ये इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, नुकसान किसी को नहीं करता है जितने भी लोग हैं। और ये जो लाख का कीड़ा है ये 24 कीड़ों को ये जो है बड़ा परोपकारी कीड़ा है, अहिंसा परमोधर्मा का कीड़ा है। इसके साथ ये जो है बी कीपिंग के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए और जो दूसरे चींटा चींटी वो हैं जिनको आप भोजन नहीं देते हैं वो सबको ये भोजन प्रदान करता है। तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको भी ये रजिस्टर करता है। तो अभी आपने सुना कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं बीके द्विवेदी, उन्होंने किस तरीके से विस्तार से बताया कि यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें किस तरीके से अपने आगे के भविष्य के लिए यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं और जिस तरीके से यहाँ छात्रों को बताया जाता है एग्रीकल्चर के बारे में या अन्य जो जानकारियाँ दी जाती हैं उससे किस तरीके से उनके भविष्य के लिए फ़ायदा हो सकता है, या फिर किसान जो किसान उन्नत खेती करना चाहते हैं उनको किस तरीके से लाभ हो सकता है, वो किस तरीके से अधिक पैसा कमा सकते हैं जो कि पारंपरिक खेती में आज नहीं कमा पा रहे हैं। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारएक्सप्रेस.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपये का सहयोग करें।